वेल दोस्तों, 90 के दशक में बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक से एक अभिनेत्रियों ने एंट्री की थी, जिनकी एक्टिंग के साथ साथ खूबसूरती की चर्चा भी आज भी होती है। इस लिस्ट में ममता कुलकर्णी का नाम भी शामिल है, जो अब फिल्मी दुनिया से दूर हैं। लेकिन एक समय था जब बॉलीवुड में उनके काम का और उनके नाम का डंका बजता था। फैंस इनकी फिल्मों का इंतजार किया करते थे, तो ममता भी अपने बोल्ड लुक से दर्शकों के बीच सनसनी मचाने का काम कर देती थी। आज ममता कुलकर्णी के बारे में हम बात करने वाले हैं। आपको बता दें कि ममता कुलकर्णी इसी महीने यानी कि 20 अप्रैल को 50 साल की हो गई हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि अभिनेत्री का जन्म 20 अप्रैल 1972 को मुंबई में हुआ था। अभिनेत्री ने अपने करियर में एक से एक हिट फिल्में दी, जिन्हें आज भी पसंद किया जाता है। लेकिन अब ममता कुलकर्णी एक गुमनाम सितारा बन गई है। वो कहाँ है, इसके बारे में फैंस ज्यादा कुछ नहीं जानते, लेकिन हम आपको बताते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ममता कुलकर्णी ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत तमिल फिल्म नान बरगल में की थी, जो साल 1991 में रिलीज हुई थी। इसके बाद अभिनेत्री ने बॉलीवुड में कदम रखा और पहली फिल्म से धमाल मचा दिया। ममता कुलकर्णी की पहली हिंदी फिल्म तिरंगा थी, जो साल 1992 में आई थी। आपको बता दें कि अभिनेत्री ने हिंदी सिनेमा में साल 1991 से लेकर 2001 तक कई हिट फिल्मों में काम किया, जिसमें वक्त हमारा है, क्रांतिवीर, करण अर्जुन, बाजी जैसी कई फिल्में शामिल हैं। आपको बता दें कि ममता कुलकर्णी की सफलता को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा था कि अभिनेत्री का करियर काफी लंबा चलेगा। वो एक से एक हिट फिल्में देकर फैंस के दिलों पर राज कर रही थीं। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि वो 90 के दशक की सबसे विवादित अभिनेत्री भी रही। ममता ने साल 1993 में स्टार डस्ट मैगजीन के लिए टॉपलेस फोटोशूट कराया था। उनकी बोल्ड तस्वीरों ने हर जगह तहलका मचा दिया। इतना ही नहीं, ममता की फोटोज की कापियां ब्लैक में भी बिकनी शुरू हो गई। हालांकि फोटोशूट के बाद उन पर भी 15,000 रुपए का जुर्माना तक लगा था। आपको बता दें कि ममता कुलकर्णी के अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन हमेशा सुर्खियों में रहे। दावा तो ये भी किया जाता था कि अभिनेत्री को कई फिल्में सिर्फ अंडरवर्ल्ड कनेक्शन की वजह से मिली थी। ममता कुलकर्णी का एक किस्सा भी काफी सुर्खियों में रहा। 1998 की बात है, जब फिल्म मेकर्स राजकुमार संतोषी फिल्म चाइना बना रहे थे। फिल्म के लीड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी थी। राजकुमार संतोषी ने ममता के साथ आधी फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली थी, लेकिन बाद में उन्होंने अभिनेत्री को फिल्म से बाहर कर दिया। लेकिन जब छोटा राजन के कानों तक ये खबर पहुंची, तो डॉन के कहने पर फिर से ममता को फिल्म का हिस्सा बना लिया गया। वेल दोस्तों, ममता कुलकर्णी ने हमेशा ही अंडरवर्ल्ड के साथ अपने रिश्ते को अफवाह बताया था। लेकिन साल 2002 में ममता कुलकर्णी ने ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी से शादी करके सबको हैरान कर दिया। वो अचानक ही फिल्मी दुनिया से गायब हो गई। दावा है कि शादी के बाद वो केन्या शिफ्ट हो गई। साल 2016 में ममता कुलकर्णी और उनके पति विक्की गोस्वामी को पुलिस ने केन्या एयरपोर्ट पर ड्रग तस्करी के चलते गिरफ्तार भी किया था। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। कहा जाता है कि ममता कुलकर्णी अब साध्वी बन गई हैं। साल 2014 में ममता कुलकर्णी अचानक ही दुनिया के सामने आई थी। उस समय उन्होंने अपनी जिंदगी पर लिखी किताब ऑटोबायोग्राफी बाय योगिनी को लॉन्च किया था। ममता के लुक ने हर किसी को हैरान कर दिया। भगवा रंग के कपड़े पहने हुए ममता ने माथे पर बड़ा सा टीका लगाया हुआ था। फिल्मी दुनिया को अलविदा कहने की वजह बताते हुए ममता कुलकर्णी ने एक बार कहा था, कुछ लोग दुनिया के कामों के लिए पैदा होते हैं, मैं ईश्वर के लिए पैदा हुई हूँ। वेल दोस्तों, ममता कुलकर्णी के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, और आपने ममता कुलकर्णी की कौन सी फिल्म देखी है जो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आई हो, कॉमेंट करके हमें जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ बॉलीवुड की ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।